हेलो दोस्तों, यूनिक बिक के यूट्यूब चैनल भाई फिर से आपका स्वागत है। भाई आप ये दीवार देख सकते हो, ये दीवार भाई डियर पार्क की है जो इसार में है। इसमें हिरण की अलग अलग प्रजातियां हैं। एयरपोर्ट इसार पे बाईपास पे भाई वहाँ आपको उतरना पड़ेगा। के आसपास भाई 1.5 किलोमीटर आना पड़ेगा, उसके अंदर की साइड है ये गाँव में कुछ मेन हाईवे पर, भीतर की तरफ हाईवे है। तो आप भाई रोड पर देख सकते हो बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये पार्क में चलेंगे दोस्तों हम। ये भाई आप देख सकते हो डियर पार्क है, ये इसार का बहुत ही फेमस पार्क है। अब इसके अंदर चलेंगे हम और आपको दिखाएंगे हिरण, अलग अलग हिरण की प्रजातियां। भाई ये देखो दोस्तों, डियर पार्क है ये, और यहाँ पर भाई आप पशुओं को गोद भी ले सकते हो। ये भाई नील गाय ट्रेंड लिया भाई हमारे खेतों में होता है, इंसान को देखते ही भाग जाता है। भाई देखो बुरी हालत हो चुकी है भाई कांटों में ये है, और खेत बिल्कुल फ्रेंडली हो चुका है, ये हम हाथ लगा सकते हैं इसको। ये दोस्तों अब अंदर आ चुके हैं भाई, आप दीवारों पर चित्र बने हुए देख सकते हो। ये भाई कॉमन तितली है, नाम भी लिखा हुआ है पिकॉक नाम तितली। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रजातियाँ हैं भाई तितलियों की, और इन पर नाम भी लिखा दीवारों पर अलग अलग बना के भी दिखाई हुई है भाई तितलियाँ। आप देख सकते हो ब्लू तितलियाँ भाई सारे में। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, इसके पास में अर्बल पार्क भी है भाई, वो आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। हिरण के नाम से ये पार्क जाना जाता है भाई। तो चलो आपको दिखाएंगे अर्बल पार्क और डियर पार्क आज ब्लॉग में। चारों तरफ देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, देख लो दोस्तों तितली पार्क में सारा आपका स्वागत है। ये भाई अलग अलग तितलियाँ बनाई हुई हैं दीवारों पर, आप देख सकते हो नाम भी है प्लेन टाइगर तितली का नाम भाई, देख सकते हो बहुत ही सुंदर नाम है भाई। लिम बटरफ्लाई भाई कवीन नाम देख सकते हो भाई तितली। ओके ये दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो डियर पार्क इसार लिखा हुआ, ऊपर देख सकते हो हिरण बनी हुई है भाई। नेचर नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, देख सकते हो दोस्तों ये है नज़ारा अंदर का। चलो आपको और भी इससे और अंदर ले चलेंगे भाई। ये देखो एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है दोस्त, वन विभाग हरियाणा, आप देख सकते हो कैप्टन अभिमन्यु ने उद्घाटन किया था भाई ये इस पार्क का। यहाँ देख सकते हो हिरण है भाई, ये हमारे पास में आ रही है फोन देखकर। देखो दोस्तों ये बिल्कुल पास में आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो भाई अलग अलग फ्लावर भी है भाई, फूल आप देख सकते हो। तो हम आपको और भी दिखाएंगे बिल्कुल पास से हिरण, देखते हैं जाने का रास्ता कहाँ मिलता है। ये जाल लगा हुआ है अभी और वहाँ बैठे हिरण अलग अलग प्रकार के दोस्तों। ये भाई पूरा पार्क है, डियर पार्क नाम से जाना जाता है ये, हिरण बोलते हैं जिसको। यहाँ भाई पानी की सुविधा भी पूरी है, और चलो आपको अंदर का दिखाएंगे थोड़ा बहुत, और कुछ बहुत सुंदर बनाया हुआ पार्क। ये दोस्तों देख सकते हो भाई अलग अलग, इसके बड़े सिंह और उसके आपने देखा भाई छोटे सिंह है, अलग अलग प्रजाति है भाई दोनों अलग, आप देख सकते हो। हम इनको कुछ खिलाएंगे अब। ये भाई ये देखियो भाई फूल खा रहा है, मैंने इसको ना फूल तोड़ के दिया, फूल खा रहा है भाई। दोस्तों देख सकते हो हमारे पीछे पीछे बार बार में ये खाने के लिए आ रहा है। अरवान दोस्तों अभी छोटे छोटे और भी चल रहे हैं, खाना खा रहे अपना। यहाँ भाई आप मेरे पीछे देख सकते हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं भाई यहाँ रहते हैं भाई, इसकी देखभाल करते हैं भाई। इसके चारों तरफ भाई जाल लगाया हुआ है, तो हम इसके अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पर लॉक भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसके आप देख सकते हो यहाँ जाल है, ये भाई बहुत बड़ा जंगल है, आप देख सकते हो इस ये भाई खुला हुआ है बिल्कुल। ये डियर पार्क होता है ना भाई, चिड़ियाघर होता है बिल्कुल बंद होता है, छोटा छोटा सा भी होता है और बड़ा भी होता है भाई। ये देख सकते हो आप बहुत ही बड़ा है, आप यहाँ जाल लगे हुए हैं, जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं भाई जो देखभाल करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर भाई इनको खोल कर इनकी साफ सफाई करते हैं, अंदर से इनको चारा डालते हैं भाई। और यहाँ पर हिरण की भाई 3 प्रजातियाँ जो मैंने पहले बताया वो आपको वीडियो में दिखाएंगे भाई, यहाँ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। आप दोस्तों ये देख सकते हो इनके सींग नहीं लगे भाई, अभी तक आए भी नहीं है, ये अलग अलग किस्म की प्रजातियाँ भाई। इनके कान देखो दोस्तों, कान बिल्कुल जहाँ देखते हो उस साइड मोड़ लेते हैं। तो और भी प्रजातियाँ हैं दोस्तों, आपको दिखाऊंगा जिसके सींग लगे हुए हैं। वहाँ तक देखो दोस्तों, वहाँ जा चुकी है आगे, और 2-3 यहाँ पर है दोस्तों, और छोटे छोटे भी है, आपको दिखाएंगे। अभी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, कैमरे को देखा तो हमारी तरफ देखने लगे। यहाँ देखो दोस्तों कैमरे को देखकर ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं।
बिल्कुल छोटे हैं, और वहां पर भी है दोस्तों, देख सकते हो हमारी तरफ, कैमरे की तरफ ही देख ले भाई साहब। नीलगाय है भाई साहब, ये हरियाणा का राष्ट्रीय पशु है, ये नीलगाय है, ये देखो नीलगाय देख सकते हैं दोस्तों, अलग ही किस्म की है ये। बोला था तीन प्रजातियां हैं, उनमें से एक है, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों नीलगाय, देखो इसके सींग और उसके नहीं है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की भाई, ये यहाँ से पता चल रहा है अभी तो। देखो पोज बना के खड़ी है भाई, और ये भाई देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर एक अंकल है, माली है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनसे पूछेंगे थोड़ा बहुत कुछ यहाँ का क्या कुछ है। गूगल पे तो पिक्चर दिखा रहा था 1971, तो ये हरियाणा वन विभाग के अंडर में 85 में आया होगा। तो आप यहाँ का मेंटेनेंस रखते हो, मतलब जो समय समय पर कटाई करते रहते हो आप? और यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं हिरण की? चार। और नीलगाय? नीलगाय तो मालूम है हमको, ये रेस्क्यू करनी पड़ती है। रेस्क्यू करनी पड़ती है? एक जो रोड पे खड़ी थी नीलगाय बाहर, हाँ वो भी है। और यहाँ पे जो आप लोमड़ी लिख रखा था कि भी लोमड़ी भी है, और पक्षी लोमड़ी नहीं है, और पक्षियों की? ये देखो दोस्तों ट्री हाउस है, ये छोटा सा बनाया हुआ है, पहले इसके नीचे वाटर कूलर लगाया हुआ था, ये भी ट्री हाउस बना दिया है। ये 1971 में बना हुआ है भाई, डियर पार्क आप देख सकते हो यहाँ पर। ये दोस्तों इस पार्क में भाई पूरा पार्क का मैप दिखाया हुआ है, डियर पार्क लोकेशन मैप आप देख सकते हो। सेक्शन वाइज भाई ये बना रखे हैं पार्ट अलग अलग, यहाँ पर भाई सेक्शन अलग, सेक्शन भी ये अलग अलग है आप देख सकते हो। ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूम, अलग बिल्डिंग ये है यहाँ पर। ये भाई किस साइड पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, उसका मैप भी है, ये अलग अलग दिखा रखा भाई सब कुछ यहाँ पर, मैप बना के कैसी लोकेशन है यहाँ की। दोस्तों अभी तक आपने देखा भाई डियर पार्क, इसके बाद भाई आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी भाई, थैंक यू सो मच भाई, अभी तक आपने मेरी इतनी वीडियो देखी यहाँ तक। और इसके बाद भाई अर्बन पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है, वो भी अलग अलग प्रकार की, वहाँ भाई जड़ी बूटियाँ अलग अलग प्रकार की आपको दिखाएंगे, आपको उनका नाम बताएंगे क्या कौन सी जड़ी बूटियाँ भाई उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, और वहाँ उनसे पूछेंगे भी, वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं भाई काम करते हैं उनसे। तो नेक्स्ट भाई बने रहना मेरी वीडियो में, देखते रहना। तो चलो चलते हैं वहाँ, वहाँ कहाँ, हर्बल पार्क में। तो दोस्तों हर्बल पार्क में आ चुके हैं हम, और इसके बारे में वहाँ डियर पार्क में भाई आपको कुछ बता दिया था इसके बारे में, तो अभी इसको बताएंगे भाई यहाँ अलग अलग पौधे, और यहाँ भाई अलग अलग कैरिया बनाई हुई है, और वहाँ पर नाम भी लिखा भाई कौन सा पौधा कौन सा नहीं। चलो आपको मेहंदी का पेड़ दिखाएंगे भाई सबसे पहले, और उसका नाम भी लिखा हुआ मैंने पहली बार देखा भाई, और इसके फलियाँ लगी चुकी है भाई, फलियाँ जो गुवार की फली होती है भाई अलग प्रकार की होती है। और यहाँ भाई नाम देख सकते हो आप, देखो दोस्तों ये नाम किसके लिए काम आता है, वही सिर दर्द सौंदर्य है, जो मैं जो भाई शादियों में लगाते हैं मेहंदी, और हाथों में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी भाई त्यौहार होता है उसमें लगाने के लिए काम आती है मेहंदियाँ। हमारे भाई पैरों में दर्द भी होता है, तो हमारी एडियो पे ला सकते हैं भाई मेहंदी को। और यहाँ पर भाई एक हार श्रृंगार का पौधा होता है भाई, जो हार श्रृंगार भाई मैंने पहली बार देखा है ये पौधा, आप देख सकते हो अलग ही प्रकार के इसके पत्ते लगे हुए भाई। और वहाँ भाई इसके भाई जस्ट पीछे भाई तुलसी है बहुत ही, और इसके साइड में भाई आप देख सकते हो गुलाब के पौधे हैं बहुत, और सुंदर सुंदर गुलाब लग चुके हैं यहाँ पर। और ये भाई तुलसी है, किस काम के लिए आती है भाई यहाँ पर लिखा है इसके नीचे, देख सकते हो खांसी जुकाम। तो आपको अश्वगंधा दिखाऊंगा, जो दुबले पतले जो मेरे जैसे खाते हैं भाई, कोई बहुत ही है जो एथलीट भी खाते हैं, देखो लिख भी रखा भाई किसके लिए काम आता है अश्वगंधा, और ऐसा पौधा होता है आपने देखा हुआ, आपको लग रहा है भाई हमारे घरों में भी ऐसा। तो ये देखो दोस्तों जाल है हमारे घरों में और पटोड़े में, जो हरियाणवी भाषा में होता है पटोड़े बोलते हैं जिसको, जहाँ पर हमारे हरियाणवी कल्चर गोसे छापते हैं। लेटो की बेल होती है, दो जाल पर टंगी हुई है, किसके लिए काम आती है भाई, अभी थोड़े दिन पहले भाई बुखार का सिस्टम चल रहा था भाई हर घरों में भाई, एक ना एक तो बीमार होता था
तो आप देख सकते हो किलोई की भेड़ किस काम के लिए काम आती है भाई, बुखार पी लिया, चमड़ी के रोगों के लिए काम आती है किलोई की भेड़। चलो आपको और भी बल पार्क में भाई और भी अलग अलग प्रकार जड़ी बूटियां हैं आपको दिखाऊंगा मैं, और आप घुमा के भाई एक बार ये देखो कौन सा पौधा दोस्तों, ये आप खुद बताना कॉमेंट में, एक बार नाम देख सकते हो। तो दोस्तों और आपको अलग अलग प्रकार के पौधे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हो वीडियो में बहुत ही अच्छा बनाया हुआ भाई, नाम लिख के आए हो क्या भाई, ये देखो पीलिया मलेरिया में दमा दमा सांस की बीमारी को बोलते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी ये काम आता है। चलो आपको और आगे दिखाएंगे कुछ और भी अलग अलग प्रकार के हैं। और यहाँ नौकर है वाटिका है, ये पीछे आप देख सकते हो वन मंडल विसार, ये भाई पूरा जड़ी बूटियों से लदा हुआ भी किए कह सकते हैं, पूरा भरा हुआ भाई। यहाँ पास के आसपास के जितने भी गांव के बूढ़े जवान जो भी है यहाँ घूमने आते हैं शाम के टाइम और अपना इलाज खुद ही कर जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ भाई एक और पौधा लगा हुआ पत्थर चट, पत्थरी में काम आता है। चलो आपको अलग पेड़ा और पेड़ और दिखाएंगे। तो दोस्तों वहाँ भी देख सकते हो अलग प्रदर्शनीय स्थल है ये इस साइड, तो अलग अलग प्रकार के भाई अलग पौधे हैं। तो मुझे भी बहुत ही आज ही पता चला ये पौधा इसका है, इस किस्म का पौधा है भाई ये, इससे बढ़िया भाई नज़ारा नहीं पाएगा देखने को आपको, देख सकते हो भाई यहाँ आके भाई मेरा दिल खुश हो गया। जैसे जैसे मैंने आपको कल भी बताया मेरा दिल वहाँ झील पर जाके खुश हो चुका था और महावीर स्टेडियम में भी गया था भाई, आज यहाँ के भाई तीसरी बार आया हूँ, आज तीसरा दिन है, जो बहुत ही अच्छा लगा भाई मुझे वीडियो बनाने में। और यहाँ देख सकते हो वरुदान अर्बल पार्क है भाई ये इस साइड, दो नगरी का पेड़ है दोस्तों आप देख सकते हो, ऊपर भी लगी हुई है एक दो। और चलो आपको और भी बताएंगे भाई, मार्शिप टीला देख सकते हो दोस्तों, हमारे घरों में एलोवेरा की जैसे लगता है ये एलोवेरा, बस ओनली बाल रेत में लगता है ये दोस्तों आप कैक्टस देख सकते हो, ये भी बहुत ही काम आता है भाई इलाज में। और चलो दोस्तों आपको और भी चीज़ दिखा दें, बहुत तो टाइम हो चुका होगा भाई दोस्तों ने आपने ये बातें सुनते हुए, ये पौधा दिखा रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ, सेम ही लग रहा होगा आपको दोस्तों, कुछ सेम नहीं है अलग प्रकार के हैं, बस दिखाई सेम दे रहे हैं दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों, देखो दोस्तों चिड़िया होती है और भी कुछ होता है, उसको भी पानी और खाने पीने की तीस लगती है, उसके लिए देखो डिजाइन कर रखे हुए टायर टांग रखे और पीपे को काट कर डिजाइन बनाकर उनके लिए दाना। और आप अलग अलग देखो दोस्तों इनकी पत्तियां देख सकते हो बिल्कुल लाल है, लाल होती है ये दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, आपने देखा अभी तो मैंने नाम देख देख के आपको सब कुछ बता रहा हूँ, मैंने ये पहली बार देखा भाई किसी पौधे का, और कैरिया अपना भाई नाम लिखा हुआ आप देख सकते हो चंपा नाम चंपा का। दोस्तों आपने देखा भाई अर्बल पार्क और डियर पार्क भाई जो हिसार में है, जो हिसार बस स्टैंड के भाई 8 किलोमीटर है, तो बिल्कुल भाई इतना दूर भी नहीं है, बस 10 रुपये लगेंगे आप यहाँ पर आ सकते हो भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा हमारे चार से पाँच घंटे किस टाइम निकल चुके हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और आप मेरी वीडियो में बताना भाई आपको कैसा लगा ये पार्क, जानकर कैसी जानकारी थी भाई यहाँ, अच्छी थी या बुरी भाई, लाइक करना शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना, नई नई वीडियो और मेरा नए नए ब्लॉग में आपका स्वागत रहेगा भाई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत भाई।